लॉकडाउन में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके काम धंधे सब चौपट हो गए, रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। ऐसी ही सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता अक्षय चौधरी गांव-गांव पहुंचकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने पिछले एक महीने से ये अभियान चला रखा है जिसमें वो डेली 500 से 700 पैकेट खाने के बनवाते हैं, और जहाँ की सूचना उन्हें मिलती है कि वहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ पहुँचकर वह उन खाने के पैकेटों का वितरण कराते हैं। हाल ही के दिनों में वह भोजन वितरण करने वैदपुरा गांव पहुँचे, जहाँ सैकड़ों परिवार थे, जहाँ जाकर उन्होंने सैकड़ों परिवारों को भोजन वितरण किया। इस मौके पर अक्षय चौधरी ने हमें बताया कि पिछले एक महीने से लगातार वह भोजन का वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद और भी ज़्यादा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को रोज़गार ख़त्म है, ज़िंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए तैयार खड़ा है और लोगों की मदद निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में उनके साथ हैप्पी पंडित और सौरभ नागर, प्रतीक भाटी भी मौजूद रहे, जो गांव-गांव जाकर यह खाने के पैकेट उपलब्ध कराते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। उन्होंने बताया कि उनका यह अभियान जारी रहेगा, यानी कि वह खाने के पैकेट ज़रूरतमंद लोगों को लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे।